गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नीलोफर शेख एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी बाइट्स। सो अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगी तो उसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अगर अब तक आप लोग ने मेरे इंस्टाग्राम पर चेकआउट नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार जाकर नीलोफर्स द ब्लॉग पर एक बार चेकआउट ज़रूर करें। वहाँ पर आपको लॉट्स ऑफ टाइप के डिज़ाइनर ड्रेस देखने के लिए मिल जाएंगे, बहुत सारी वैरायटी है। होप सो आपको बहुत पसंद आएगा, तो एक बार चेकआउट ज़रूर करें। सो हम आज का वीडियो डिपेंड करता है हमारे दो प्रोडक्ट पर। ये है एस क्यू एंड एन वाई बे का प्रोडक्ट। हम ये दोनों का रिव्यू करने वाले हैं। इसे बाय करना कैसा है कैसा नहीं है, इसका रिव्यू मैं आगे आपको देने वाली हूँ। सो हम स्टार्ट करते हैं हमारा रिव्यू। लेस्ट्रॉल। सो मेरे पास है दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड डिफरेंट ब्रांड्स। ये है एस क्यू के कंसीलर एंड ये है एन वाई बे के हम आईलाइनर और काजल दोनों कह सकते हैं। ये क्रायोन्स वाले काजल है। तो ये दोनों मैंने बाय किया है पर्पल से, जब ऑफ़र चल रहा था बाय वन गेट वन फ्री का। तो ये दोनों मैंने वहीं से बाय किया है और मैंने इसे यूज़ किया है। देन उसके बाद आई एम रेडी टू रिव्यू। तो मैं दोनों को वन बाय वन शो करूँगी, दोनों को ओपन करके दिखाऊंगी, प्लस इसका मैं आपको अपने हाथ पर एक छोटा सा डेमो करके दिखाऊंगी कि कवरेज कैसा है, लॉन्ग लास्टिंग है या नहीं, स्मच प्रूफ है या नहीं, और लॉट्स ऑफ चीज़ें हम देखने के लिए मिलेंगी आपको कि आपको ये बाय करना चाहिए या नहीं चाहिए। तो हम पहले स्टार्ट करेंगे एस क्यू से। ये है एस क्यू स्टिक वर्की का कंसीलर। ये मिनी कंसीलर है। तो ये मैंने ख़रीदा है पर्पल से, जब पर्पल पे ऑफ़र था बाय वन गेट वन फ्री का। तो अगर मैं अमाउंट की बात करूँ तो ये ईच अमाउंट 99 रुपीज़ का है, मतलब 100 रुपीज़ का है। लेकिन जब ऑफ़र चल रहा था बाय वन गेट वन फ्री और तब मैंने इसे बाय किया, तो ये दोनों मुझे 100 रुपीज़ में मिला है। तो बहुत ही चीप में मुझे ये मिला है, बट सिर्फ अमाउंट ही एक चीज़ पर डिपेंड नहीं होता है, प्रोडक्ट का वर्किंग भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है हमारे लिए। तो मैं इसको आपको ओपन करके दिखाती हूँ। ये दो डिफरेंट शेड में है। इसकी जो पैकिंग है ना, बहुत क्यूट है, ऐसी छोटी सी मिनी सी, मुझे बहुत अच्छी लगी। तो मैं इसे ओपन करती हूँ। ओपन करने के बाद ये आपको ऐसे स्टिक में मिलेगा। इट्स अ वेरी क्यूट कंटेनर बोल सकते हैं इसे, बहुत ही अच्छा कंटेनर है स्टिक कुर्की का। एकदम ब्लैक है और सिल्वर में उसका नाम लिखा हुआ है, बहुत अच्छा है। ये मिनी लिपस्टिक जैसा है, ये पिंक शेड है। और जो सेकंड वाला था वो मैंने ग्रीन में लिया था, सेम ग्रीन। तो ये दो शेड थे जो मैंने बाय किए थे, पिंक एंड ग्रीन। ये दोनों मुझे 100 रुपीज़ में मिला है। मैं आपको इसे दिखाती हूँ मेरे हाथ पर। मेरा हाथ देखिए, ग्रीन वाला, दिख रहा है आपको? एंड पिंक, तो अगर मैं इसके कलर की बात करूँ तो कलर लिटरली बहुत क्यूट है। बट हम कंसीलर यूज़ करते हैं हमारे दाग छुपाने के लिए, या जिनके चेहरे पर पिगमेंटेशन होती है उसको छुपाने के लिए, या फिर किसी के फेस पर वेंस दिखती है, ग्रीन्स, पिंपल्स के मार्क्स होते हैं, स्कैर होते हैं, हम उसे कवर करने के लिए हम कंसीलर यूज़ करते हैं। ये कंसीलर है बहुत चीप और अच्छे हैं, नहीं है ऐसा नहीं, बट एज़ पर इसका कवरेज ये हमें उतना अच्छा कवरेज नहीं देता है। जिस एक्सपेक्टेशन से मैंने इसे बाय किया था ये उतना अच्छा नहीं रहा। ये एक जो हमें एक कवर चाहिए होता, जो हमें कवरेज चाहिए होता कंसीलर से, ये उतना नहीं दे पाते हैं। ओके प्रोडक्ट है, मुझे इतना ख़ास नहीं लगा। तो अगर किसी ने इसे बाय किया है, यूज़ किया है, तो प्लीज़ वो लोग मुझे नीचे कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि जिन लोगों को ख़रीदना है, जो बाय करना चाहते हैं, जो वेट में है कि पर्पल पे ऑफ़र आए और हम इसे बाय करें, उनके लिए काफ़ी अच्छी हेल्प हो जाएंगी। सो प्लीज़ कमेंट्स, अगर किसी ने इसे यूज़ किया है तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें, हमारे व्यूअर्स को बताएं
कि हाँ इसे बाय करना चाहिए या नहीं, लेकिन अगर मैं कहूँगी तो सो इट्स अ ओके ओके प्रोडक्ट, मैं इसे रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप लोग को बाय करना चाहिए। फिर भी अगर किसी को देखना है, ये वीडियो देखने के बाद भी किसी को ऐसा लग रहा है कि हम यूज़ करके देखेंगे, तो गो ऑन, आप लोग इसे बाय करके यूज़ करके देख लीजिए और मुझे कमेंट्स करना ना भूलें। तो ये था SQ का प्रोडक्ट कंसीलर। तो मैंने इसका शेड नंबर नहीं बताई, मैं आप लोगों को इसका शेड नंबर बताती हूँ। तो ये दोनों मिनी कंसीलर हैं। अगर मैं शेड नंबर की बात करूँ तो एक शेड है फ्रॉम डेट वीकेंडर 16 एंड दूसरा है फ्रॉम डेट पार्किंग मेकआउट 18। ये दोनों शेड है और ये दोनों प्रोडक्ट है। तो इसका रिव्यू मैंने कर लिया है, तो अब हम टर्न करते हैं हमारे सेकंड प्रोडक्ट की तरफ जो है NYB। ये है NYB के क्रायोन्स काजल या आईलाइनर, हम दोनों कह सकते हैं। और ये भी मैंने पर्पल से ही बाय किया था। ये भी मुझे 100 रुपीज़ में ही दोनों मिले हैं, क्योंकि ईच ईच अमाउंट इन लोग का इसका है 85 रुपीज़। और जब मैंने इसे पर्पल से बाय किया था तभी भी ऑफर था बाय वन गेट वन फ्री का, तब मैंने इस दोनों को बाय किया है। ये मुझे ऐसी पैकिंग में आए थे, इसके ऊपर प्लास्टिक रैपिंग थी। अगर मैं इसे ओपन करूँ तो ये दोनों ऐसे कलर है, एक ब्लू है और दूसरा है ग्रीन। ये है लॉन्ग आईलैंड, वाटर प्रूफ, रेसिस्टेंट, स्मच प्रूफ, डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड, कीप इंस्टेंट कॉइल आई पेंसिल। तो ये ब्लेम करता है ये सब चीज़ों के लिए। तो मैं आपको इसे यूज़ करके दिखाऊंगी और इसका आपको मैं अपने हाथ पे एक डेमो दिखाऊंगी कि इसे आप लोगों को बाय करना चाहिए या नहीं। वन बाय वन मैं आपको इसे यूज़ करके दिखाऊंगी। पहले हम यूज़ करेंगे ग्रीन वाला, ये ग्रीन वाला है और मैं इसे यहाँ यूज़ कर रही हूँ। इट्स अ सॉफ्ट, जो हमें एक स्मूथ टेक्सचर चाहिए होता ये वैसा है। बट इस कंपनी ने क्लेम किया है कि ये वाटर रेसिस्टेंट है, स्मच प्रूफ है, बट ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये दूसरा वाला भी आपको लगा के दिखाती हूँ। ब्लू थोड़ा सा ना डार्क शेड देता है, काफ़ी अच्छा शेड देता है, बट सेम चीज़ मैं कहूँगी, ये ना ही स्मच प्रूफ है ना ही वाटर रेसिस्टेंट है। मैं आपको दिखाती हूँ, तो मैं इसे थोड़ा सा स्मच करके दिखाती हूँ, तो हमें पता चल जाएगा कि ये स्मच प्रूफ, लॉन्ग लास्टिंग और वाटर रेसिस्टेंट वगैरह है या नहीं। तो ये है ब्लू वाला, आप देख रहे हो ये स्मच हो रहा है, मेरे हाथ पे भी लगा है। तो अब ब्लू वाले की बारी, मैं सेकंड फिंगर यूज़ करूँगी। तो ये चीज़ तो प्रूफ हो गई कि ये ना ही लॉन्ग लास्टिंग है, ना ही स्मच प्रूफ है और ना ही वाटर रेसिस्टेंट है। 100 रुपीज़ में ओके ओके प्रोडक्ट है, बट अगर आपको लॉन्ग लास्टिंग चाहिए, आपको स्मच प्रूफ चाहिए, तो मैं इसके लिए भी रिकमेंडेड नहीं करूँगी। सेम चीज़ में रिमाइंड करवाऊँगी कि अगर किसी ने इसे यूज़ किया है तो प्लीज़ वो लोग मुझे कमेंट्स करें, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। जो लोग इसे बाय करना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी हेल्प हो जाएंगी। प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें और ये वीडियो आप लोगों को कितना हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। सो, आज के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।